सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। धार्मिक सभा के दौरान धमाका, 25 की मौत। बिहार में बड़ा सड़क हादसा, 4 की मौत, 15 घायल। मेधा पाटकर के नेतृत्व में लगाया चुनावी लोकमंच। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 35 लोग घायल हुए। ब्लास्ट हांगू के लोअर और काजी बाजार में हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमला धार्मिक सभा के दौरान किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बगहा से सामने आई, जहां परसोनी में बस और ट्रक की भिड़त हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। पूरा मामला बगहा रोड पर सऊदी के पास का है। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। पीड़ितों ने नर्मदा आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर के नेतृत्व में लगाया चुनावी लोकमंच। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा पुनर्वास पीड़ित लोगों ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोकमंच लगाया, जिसमें मनावर विधायक रंजना बघेल अनुपस्थित रही। मंच पर कांग्रेस से नारायण जौहरी, कांग्रेस विधायक प्रत्याशी हीरा अलावा के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे। आपके प्रत्याशी राम कुंवर व बसपा प्रत्याशी मौजूद थे। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।